अब दूसरा पक्ष के डॉक्टर के शर्मा, बहुत मुस्कुरा रहे थे आप, पर तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छिपा रहे हो? गम आपके खेमे में भी है क्या? वो एक गम अंग्रेजी वाला होता है, GUM। अब आप गोंद तलाश रहे हैं, छोटे छोटे दलों को आप पिरो रहे हैं, थोड़ा दिक्कत में आ रहे हैं कि कुनबा बड़ा होता जा रहा है विपक्ष का? नहीं, ऐसा है कि मैं हंसने के सिवाय, संदीप जी, मेरे पास क्या बचा है? अभी आपके चैनल पे ही दो लोगों के, दो दल जो गठबंधन के विपक्षी दल हैं, उनके सर खटवल देख रहे हैं, तो हम तो हंस ही सकते हैं, और क्या करें इसमें? नहीं तो अभय जी कहेंगे आप तो नजरे गड़ाए हुए हैं, नजरे गड़ाए हुए हैं, हमारे उस पर बौखला गई है बीजेपी, उनकी ये भाषा होती है। खैर, मैं उस आपके उस विषय पर, उस प्रश्न नहीं पर नहीं नहीं उसी आऊंगा, पर लेकिन रहते एक हैं ना बात मैं के जरूर कहना एक चाहता हूं। मिनट, आज नहीं, बहुत उसी पर रहते हैं इनका आपस मैं में। एक शब्द कह के मैं आऊंगा उसी पे, आ रहा हाँ मैं बिल्कुल आऊंगा संदीप जी। केवल एक बात कहना मेरे को आवश्यक है, हाँ आपके चैनल के करोड़ों दर्शक हैं, और आज जिस ढंग से पटना के अंदर में पुलिसिया कार्रवाई, एक बर्बरता पूर्व वहां पर जो लाठीचार्ज हुआ है, और जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है और RJD और JDU भी सम्मिलित है, जिस ढंग से हमारे एक कार्यकर्ता की हत्या की गई है वहां पर एक प्रदर्शन के दौरान पर, मैं उसको आपके चैनल के माध्यम से अपनी जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उस परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि कम से कम वहां पर नीतीश, RJD नीतीश जी के नेतृत्व में जिस ढंग का फिर से जंगल राज चालू हुआ है, और कांग्रेस भी उसमें जुड़ी हुई है, आज उसके कारण से ये जो हत्या लोकतंत्र के अंदर हुई है, मुझे नहीं लगा कि अभी लोकतंत्र की जो बात हो रही थी, पुलिस का इसमें से किसी लाठीचार्ज के जबान पे था ये बात आई घोर होगी। निंदनीय है, पर इनको मुद्दे ममता पर आते बनर्जी का हैं। अब भी मुद्दे पर नहीं, आते ममता हैं, बनर्जी का भी बिल्कुल लोकतंत्र नहीं निंदनीय है। है के, हाँ, अब मैं पर मुद्दे पे मैं, आता अरे हूं, मैं और सवाल तो उसी बीच में मैं उसी टोक रहा था ना, बिल्कुल, सवाल तो पूछने हाँ दीजिए के आपने कहा देखिए इनका समन्वय, इनके आपस का अहंकार। आपके समन्वय पे भी अगर देखें, ये महाराष्ट्र में जो कुछ दिन पहले तक भ्रष्टाचारी थे, अब संस्कारी हो गए हैं, अजित पवार और हसन मुशरीफ मैं और जानता था छगन आपका पक्ष, भुजबल, अब उनको मंत्रालय देने में दिक्कत आ रही है। एकनाथ शिंदे का जो गुट है शिवसेना का, वो असहज होता घूम रहा है। आपका समन्वय कहाँ है? 12 दिन से तो वहां सरकार ही नहीं काम कर रही। आप नहीं नहीं आंकड़ों ऐसा में भी नहीं उनको है, जोड़ेंगे कि देखिए हमारा कुनबा और नहीं बड़ा नहीं हो गया। नहीं नहीं आप मुझे एक चीज बताइए, वहां सरकार नहीं चल रही है क्या? वहां लोग काम नहीं, और किसका बयान है? किसी ने कोई बयान दिया है या 9 मंत्री बयान है विदाउट तो चला पोर्टफोलियो दीजिए, घूम रहे हैं। आपस में बैठने। और सुने, ठीक है साहब, अभी बाकी वो पोर्टफोलियो कोई खाली नहीं है, वो पोर्टफोलियो नहीं, पे वो कर ऊपर सब क्या रहे हैं मंत्री मंत्री? हैं, बारह काम कर दिन से रहे क्या हैं, काम किया है उन्होंने? वहां कोई मंत्री तो पोर्टफोलियो हैं खाली नहीं। ठीक है, तो दे देंगे ना आप, अच्छा वो दे हमारा देंगे। इंटरनल इशू, हम देंगे उनको। अच्छा लेकिन आप, मैं दूसरी बात पे आता हूं, मुझे आश्चर्य कि जो आपने आज प्रश्न उठाया कि सोनिया गांधी क्यों जा रही, देखिए अभी अभी यहां पर जो है कांग्रेस के प्रवक्ता के बातों से तय हो गया, पटना की बैठक में और उसके पहले सोनिया गांधी कहीं नहीं थी, और यह पहली बार हुआ 2003 के बाद कि विपक्षी एकता का बैठक जो रेगुलर सोनिया गांधी के निवास पे होता था, उसे ममता बनर्जी के कहने पर पटना लाया गया, जहां सोनिया गांधी का नाम लेवा नहीं था। तो सोनिया गांधी, अभी मैं एक राजनीतिक विश्लेषक उसके छात्र के रूप में भी कह रहा हूं, हाँ आज बेंगलोर का विषय है तो वो बात अभय जी ने अभी तय की कि सोनिया गांधी, मतलब कांग्रेस अपनी हैसियत और औकात दिखाना चाहती है अपने गठबंधन दलों से, और वही बात जो अभय जी ने अभी आप पार्टी से कहा कि शरण में आओ, और क्योंकि उन्हें खतरा दिख रहा है कि यूपीए के संदर्भ में डी राजा ने कह दिया कि भैया यूपीए नहीं होगा, PDA होगा, और अभी जो बात ये कह रहे थे अभय दुबे, क्या दोहरा चरित्र है देखिए, ममता बनर्जी पूरे अभी 10 दिन पहले, कल तक इस कांग्रेस को गाली देती रही, उसको नहीं कहेंगे, कह सकते हैं कि आपके माफी खेमे की भी मांगो और बात आके कर शरण रहे में आओ। हैं के, आपके खेमे की ममता बात कर रहे बनर्जी, हैं। ममता वो बनर्जी कल अजित तक गाली दी है पवार, इनको, क्या इन कांग्रेसियों बीजेपी, को, अरे लेकिन सुनिए इन ना, कांग्रेसियों की बोलती बंद है उनके थोड़ा लिए, सबके खेमे की और बात हो यही रही है नहीं, ना, मैं आ रहा हूं इसी थोड़ा पर, और रुकिए यही रुकिए नहीं, रुकिए रुकिए, एनडीए की आप बात पार्टी करते हैं संविधान की ना, बात कर रही है, अजित ममता पवार बनर्जी के क्या वहां इतनी हत्याएं बीजेपी हुई, की गले की हड्डी बन गए हैं? बंटवारा हो नहीं रहा, वो आते हैं प्रफुल्ल बिल्कुल पटेल नहीं, आकर बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करते आपको हैं।
क्यों नहीं मिलेंगे साहब, क्यों नहीं मिले, मिलने भी क्या आपत्ति है। अच्छा, आखिर वो एक हमारे गठबंधन, हमारे पार्टी ने ज्वाइन हुई है, उन्होंने गठबंधन दिया, अपना समर्थन दिया हमें, संस्कारी है ना वो, दिया है, संस्कारी है उनको, ये तो आपस में होता ही, संस्कारी है, योग्य है, ट्रिपल इंजन हो गया, वो करें संस्कार के, वो सर्टिफिकेट आप देते हैं, वो सर्टिफिकेट आप देते हैं कि संस्कारी कौन है और कौन असंस्कारी। सर्टिफिकेट तो प्रधानमंत्री ने भी दिया थोड़ी ना, प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारी का सर्टिफिकेट दिया था कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसका क्या हुआ? तो क्या शरद पवार जी मान गए थे? अच्छा, शरद पवार जी माने? अच्छा अच्छा, आप ऐसे ही लगा देते हैं आरोप, अजीत पवार आरोप ऐसे ही लगा दिए जाते हैं? ना ना ना, आप मुझे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जिनके ऊपर भी आरोप थे, जांच एजेंसी ने जांच भी किया है और आने समय भी वो कोई छूटेंगे नहीं, लेकिन अच्छा, नहीं छूटेंगे कि यही आरोप तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर है। सुन लीजिए एक बार, हाँ, बात सुने, हाँ, सोनिया गांधी राहुल गांधी पर भी, जो कि जेल से बेल पर हैं, हाँ, तो अभी अभय दुबे जी से पूछ लीजिए कि वो भ्रष्टाचारी है या नहीं। और अभी भ्रष्टाचार की राहुल गांधी नई परिभाषा है। अरे सुनिए ना, देखिए आप ही के जवाबों से सवाल निकल रहे हैं। बात पूरी होने दीजिए ना। हाँ, करिए करिए आप, अरे आप मेरी बात काटेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। हाँ, मैं अभी, मैं मुझे उनका भी जवाब देना है, अभय दुबे जी का भी ना। अभय दुबे जी अभी यहाँ पर बड़ी गुणगान कर रहे थे, राहुल गांधी की इतनी बड़ी प्रासंगिकता हो गई है, इतनी बड़ी स्वीकारता हो गई है। अरे वो सजा याफ्ता मुजरिम है साहब, सजा याफ्ता, 2 साल की सजा है अभी उन पर। प्रासंग, हाँ भाई, सजा तो है ना। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। अरे सजा हुई है नहीं, बताइए 2 साल की सजा है या नहीं? हाँ नहीं तो सजा आप बताइए, नहीं हुई है तो। और क्या अभी उनको छूट मिल गई है क्या वहां से? हाँ। इतनी बड़ी प्रासंगिकता उनकी देश भर में है, जो जिसको 2 साल की सजा हुई हो अपशब्द बोलने में, अपशब्द तो बोलने ही नहीं जाते इस देश में, राजनीति में राजनेताओं द्वारा जेल से बेल में का तो इस्तेमाल होता ही नहीं है। पर सजा याफ्ता है, आपने एक फैक्चुअल पोजिशन दी है, उस पर लंबी डिबेट हो सकती है, पर आपने वो गिनवाए कि जी इनके साथ तो ये आ गए वो आ गए। अब चिराग पासवान आपके साथ आ रहे हैं, मकान तक आपने छीन लिया था, पार्टी तोड़ दी थी, दो फाड़ कर दी थी, अब चिराग पासवान की आपको जरूरत पड़ गई। शिरोमणि अकाली दल आपको गरियाते हुए बाहर निकला कि किसान विरोधी है बीजेपी, अब आप उनके साथ पींगे बढ़ा रहे हैं। ये प्रासंगिक और व्यवहारिक राजनीति है। संदीप भाई, आज से 6 महीने पहले जब हम डिबेट करते थे तो आप तो हमें मगरमच्छ बताते थे कि आपकी इनके साथ तो जो भी गठबंधन में आया मगरमच्छ की तरह नील जाते हैं, इसलिए लोग छोड़ छोड़ के इनको भागे, अब तो ये अकेले हैं, इनके पास कोई नहीं है, भाजपा तो अछूत हो गई है। ये तो आप ही ज्ञान देते थे यहाँ पर बैठ के। मैंने एक बार आपको बताया भी था कि इतनी पार्टियां साथ हैं। मैंने बीजेपी को कभी मगरमच्छ नहीं कहा, पर चलिए आप आगे बताइए। जीरो वाली क्या? नहीं नहीं, ये हमारे विपक्षी, आपका मतलब मैं आपकी, हाँ, बात अच्छा, नहीं कर रहा, मतलब विपक्षी दल कहते हैं। अच्छा, विपक्षी खेमे में जोड़ दिया। मुझे एक चीज बताइए, 2014 में क्या? नहीं 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 नहीं, आप नहीं है, आप तो एंकर हैं साहब, जाने माने जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको कैसे जोड़ दूं? आप मेरे महागुरु भी हैं। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, 2014 में यही दल हमारे साथ लड़े थे या नहीं लड़े थे? 2019 में यही दल हमारे साथ लोकसभा में लड़े या नहीं लड़े? और जब भी राज्यों का चुनाव होता है या राज्य की गणित आती है तो अपने अपने दल अलग अलग भी स्टेप लेते हैं। हमारे साथ जनता दल रही है यानी जेडीयू, और जेडीयू हमारे साथ लोकसभा साथ लड़ी है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि विधानसभा के चुनाव में किसी राज्य में गठबंधन नहीं की, शिवसेना भी हमारे साथ नहीं गठबंधन की, तो उत्तर प्रदेश में अलग लड़ी हमारे साथ। अरे के सुनिए ना, थोड़ा सुन तो लीजिए। जो टीडीपी कभी चंद्रबाबू नायडू एनडीए के संयोजक हुआ करते थे, 2002 के गुजरात दंगों के बाद वो एनडीए का साथ छोड़ गए थे, आप उनको फिर साथ मिला रहे हैं। हम देखिए, एक लोकतंत्र में कोई दल यदि अपना समर्थन देता है, वो छोड़ के गए थे ना, हमने तो नहीं भगाया था। अच्छा, हमने तो किसी दल को नहीं हटाया। हम तो जब 303 सीट की पूर्ण बहुमत की हमारी भाजपा की वो आ गई सीट, इसके बावजूद हमने अपने सभी सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया। तो गठबंधन मंत्री निर्वाहन कर रहे हैं। कोई अपने राजनीतिक कारणों से छोड़कर जाता है तो हम क्या कर रहे हैं? और वो वापस आ जाए तो ठीक है, बताइए, लेकिन ठीक है, दूसरी तरफ ठीक है, एक मिनट।